मेरे नाक में प्रॉब्लम थी और सांस लेने में प्रॉब्लम थी, तो मुझे सर के बारे में पता चला। हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों, हमारे साथ हमारे यंग एक पेशेंट हैं, युवराज सिंह। इनको क्या है, पार्टिकुलरली नोज में प्रॉब्लम थी, नेजल ब्लॉकेज था एंड इनकी DNS की सर्जरी हुई है। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में, बट सबसे पहले तो युवराज सिंह से ही जानते हैं कि इनकी क्या जर्नी थी, क्या प्रॉब्लम थी, बताओगे बेटा आपको? मेरे नाक में प्रॉब्लम थी और सांस लेने में प्रॉब्लम थी, तो मुझे सर के बारे में पता चला, तो हम यहाँ पर आए और सर ने ऑपरेशन किया, तो अब नाक सही है और सांस आराम से आ रहे हैं। बेटा, आपको जब ऑपरेशन के लिए सर ने बोला तो आपको डर नहीं लगा? नहीं, एंड आपका जैसे नाक के लिए टेंशन होती है कि बाहर से कोई चीरा आएगा, निशान आएगा, ऐसा कोई अभी आपको कोई चिंता नहीं? नहीं। अब आराम से सांस आ रहा है। हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? अब 11th। 11th के अंदर। दोस्तों, इनको जो बेसिकली प्रॉब्लम थी वो एक कॉम्प्लेक्स DNS डिफॉर्मिटी थी, यानी नाक का आगे का पार्ट एक तरफ आया हुआ था, जिससे ये यू नोज को करते थे तो क्या है, एक तरफ का नोस्टिल ब्लॉक होता था। सो इसको क्या है कि DNS को क्या है, एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी सर्जरी के थ्रू ठीक किया जाता है। अब अगर युवराज जी कहीं पे भी जैसे आर्मी, एयरफोर्स, NDA में जाते हैं तो इनको ये क्या है, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो मेडिकल में फिटनेस में दिक्कत नहीं आएगी। बट ये जो प्रोसीजर है वो लेजर से एंडोस्कोपिक होता है। जो लोगों के दिमाग में डर होता है बाहर से कोई चीर फाड़, टाँका पट्टी, ऐसा नहीं होता। जैसे इनके बिल्कुल एक महीना हो गया एंड इनको जो नोज का ब्लॉकेज था वो भी ठीक है, एंड कॉस्मेटिकली जो एसिमेट्रिकल नोस्टिल थी वो भी ठीक है। सो अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उससे डरना नहीं चाहिए, निशान नहीं आता, दर्द नहीं होता, हमें पता नहीं लगता, एंड इसका हमें इलाज कराना चाहिए। एंड थैंक यू युवराज जी।